नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीतिशा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले यानी कि नालंदा में 24 घंटे के अंदर 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जी हां, हम आपको ये बता दें कि बुधवार की ये घटना है जहां पर एक ही घर के लोगों को 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें 5 लोगों की मौत वहीं पर हो जाती है। इसका कारण बस एक छोटा सा जमीनी विवाद बताया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये बिहार के प्रशासन पर सवाल खड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ की सरकार और प्रशासन किस बात पर ध्यान दे रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस पर पप्पू यादव, जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले सीएम साहब अपने गृह जिले नालंदा में कानून का राज स्थापित करें। जिस तरह वहां नरसंहार हुआ है, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि यहां सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं है। वहां एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है, जो बिल्कुल ही सरकार पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल में हूँ, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, सीएम उनके घर जाएं और न्याय दिलवाएं। हम आपको साथ में ये भी बता दें कि पहले होली के दिन मधुबनी में भी एक नरसंहार किया गया था, जिसमें भी 5 लोगों की हत्या हो गई थी। और उसके बाद जब हत्या हो गई, उसके बाद जो है अन्य कई राजनीतिक दल के लोग जो है वहाँ पे पहुँचे और लोगों को संतावना दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई भी की गई, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। तो इस तरीके के मामले अक्सर अभी देखने को मिल जा रहे हैं। अभी मधुबनी की जो नरसंहार घटना है वो आप देख सकते हैं, और अब फिर से नालंदा का ये भी एक नरसंहार घटना ही है, जो कि बिहार की प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठाता है। और ये बात नालंदा की हम करें तो ये तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके गृह जिले, वहाँ पे उनकी जो सरकार है उन पे उनकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने गृह जिले को ही नहीं संभाल पाएंगे तो अन्य कई जिलों को वो क्या संभालेंगे। क्यों बिल्कुल ही बिहार की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है कि नीतीश कुमार जी जो हैं कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और वो अभी जो अपराध है वो कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रण में अभी अपराध अभी कायम है, तो इस तरीके से वो किस अपराध पर नियंत्रण पा रहे हैं। क्योंकि अभी जो होली के समय में जो नरसंहार हुआ था, उसको भी बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और ये फिर से नरसंहार जो हुआ है वो बिहार पे जो है वो सवाल ही खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि प्रशासन अभी उस पर कार्रवाई कर रही है, जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई अभी चल रही है, उसकी खोजबीन जो है वो चल रही है, और जल्दी हो सकता है कि इस पर भी अभी सरकार के साथ साथ प्रशासन अलर्ट हो जाए और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको अपने गिरफ्त में ले ले और आगे की कार्रवाई उस पर की जा सकती है। तो इस तरीके से पप्पू यादव, जो कि हर बार जनता के बीच में जाते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, कोरोना का समय हो, या फिर किसी भी अन्य तरीके की परिस्थिति हो, जब जनता परेशान रहती है तो वो उनके बीच जाते हैं, लेकिन अभी वो नहीं जा सकते क्योंकि वो जेल में हैं। तो वो सीएम पर हमला बोले हैं और वो कह रहे हैं कि सीएम जी को वहाँ जाना चाहिए, उनके लोगों से मिलना चाहिए और उन्हें संतावना देना चाहिए, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ, मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। तो इस तरीके से बिहार के प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से जो अपराध है उसको जो नियंत्रण किया जा रहा है, और कहने को बिहार में सुशासन सरकार है तो किस तरीके की सुशासन सरकार है, और बिहार की सरकार पर भी ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ बिहार।